तो आज आपके थर्ड यूनिट, ठीक है। अब थर्ड यूनिट का नाम है आपके कंप्यूटर के उपयोग। सबसे छोटी यूनिट है, पहली चीज तो ये, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? आज इसका एकमात्र क्वेश्चन आता है, निम्न में से कंप्यूटर का उपयोग बताओ। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आता है, या शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, और मतलब कोई सी भी कंपनी वगैरह, तो इसका उपयोग सब जगह होता है। क्या होता है इसका आंसर? उपयोग सभी, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। सही यही हो रहा है, या कंप्यूटर के बिना भी कुछ है? देखो आजकल हर विभाग में कंप्यूटर हो गया। आप स्कूल में एडमिशन कराने जाओगे तो भी ऑनलाइन होगा, और आपकी TC कटानी होगी तो भी ऑनलाइन होगा। यूँ तो है नहीं कि ऑफलाइन हो जाए, हो जाएगा क्या? गए ऑफलाइन के जमाने, स्कूलों का बोर्ड के फॉर्म है ऑनलाइन होंगे, तो वापस आपके एग्जाम एग्जाम भी ऑनलाइन होने लग ही गए हैं। जैसे कि अपने SSC वगैरह में, इनमें सब में एग्जाम ऑनलाइन होते हैं। अभी आपने तो शायद अभी तक तो नहीं दिया होगा ऑनलाइन एग्जाम, पर अब जो भी दोगे RSCET का तो ऑफलाइन ही है, पर जो भी दोगे उसमें अधिकतर आने वाले टाइम में ऑनलाइन एग्जाम होंगे, जिनमें क्या होता है कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसलिए कंप्यूटर अभी सीख जाओगे तो आगे बढ़िया है, वरना फिर वापस छोटे बच्चे बन के सीखना पड़ेगा। अभी बहुत से आते हैं मेरे पास जो नौकरी कर रहे हैं, तो भी अभी जैसे एक LDC साहब आते हैं तो सीखने आना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उस टाइम पे वो नहीं सीखे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर का उपयोग हर जगह होता है, घरों में होता है, स्कूलों में होता है, मनोरंजन के लिए होता है, सामाजिक मीडिया, मतलब सामाजिक मीडिया होता है, सोशल मीडिया, आप जो चलाते हो ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह, सब किस में होता है इसका उपयोग? इसी में होता है, ठीक है। ज्ञान के लिए, YouTube चलाओ तो ज्ञान के लिए मिलेगा, नहीं चलाओ तो आपके वही PUBG, हेयर स्टाइल, मेहंदी, ठीक है। यूज सबका अलग अलग, वो भी ज्ञान ही है होने में तो, पर वो अलग तरह का ज्ञान है। तो YouTube भी आपके ज्ञान के लिए भी काम में आता है, ठीक है। व्यवसाय के लिए, e-commerce के काम में भी कंप्यूटर काम में आता है। आपने देखा होगा जैसे व्यापारिक लेन देन करनी हो तो उसके लिए भी कंप्यूटर काम में आता है। जैसे किस बैंक में पैसे खाते में पैसे डालने हैं ऑनलाइन, आप पैसे जमा कराने जाते हो कंप्यूटर में जमा होते हैं, आपके खाते में बैलेंस चेक करना है कंप्यूटर में चेक कर सकते हो, इन सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार, जैसे कि वीडियो कॉलिंग करना, इंटरनेट संचार होता है, तो आप कंप्यूटर के जरिए करोगे, सब ऑपरेट कंप्यूटर से होता है, या डायरेक्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना भैया। अगर आपको जैसे कि किसी से वीडियो कॉल करनी है तो बिना नेट के होगा क्या? नहीं होगा, नेट किससे चल रहा है? कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें भी कंप्यूटर का संचार सुविधा सारी कंप्यूटर से चल रही है, ठीक है। वही मेल, लाइक, सब्सक्राइब, टोटल, ट्विटर, सब किससे हैं? वो किसी से बात करना सब कंप्यूटर की देन है। जैसे कि संबंध विपणन, प्रदर्शन विज्ञापन, मतलब कोई आजकल एड भी होते हैं तो भी कंप्यूटर के जरिए होते हैं, एड वगैरह, ईमेल, खोज, ये सब कंप्यूटर, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, खेल, वीडियो विज्ञापन, खेल, गेमिंग का तो आपने देखा ही, आजकल सबसे ज्यादा ट्रेड में लॉकडाउन में PUBG कितना हाईलाइट हुआ था, ठीक है। फिर ऑफिस, मतलब लेन देनों के लिए भी कंप्यूटर काम में आता है। शिक्षा प्रशिक्षण, ऑनलाइन एजुकेशन आएगी, आपने देखा ही होगा कोरोना ने सबको ऑनलाइन कर दिया, घर बैठे बैठे आप अच्छी से अच्छी कोचिंग और क्लास ले सकते हो, तो ये सब कंप्यूटर के अंदर, मतलब हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का काम हो गया। स्मार्ट क्लास के जरिए, ऑनलाइन शिक्षा के जरिए, डिजिटल लाइब्रेरी, आपको बुक चाहिए मोबाइल में आप खोलो या लैपटॉप में खोलो, पूरी PDF डाउनलोड हो जाएगी, पूरी बुक की बुक, ठीक है, तो उसमें होगा। अनुसंधान, कोई खोज करनी है तो उसमें भी नोट्स बनाने के लिए काम आएगा। हेल्थ केयर कंप्यूटर, मतलब सोनोग्राफी कराओ, CT scan कराओ, तो उनमें भी कंप्यूटर काम में आता है, आता ही है। तो सब जगह कंप्यूटर का हो गया, लैब वगैरह में, इनमें सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कंप्यूटर काम गवर्नमेंट भी कर रही है कंप्यूटर पे काम, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो जितना भी डाटा है, डाटा वगैरह जो भी प्रणाली होती है, सारा काम गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे भी कोई सी भी योजना है, सारे किससे किसके थ्रू हो रही है? गवर्नमेंट के थ्रू। कंप्यूटर में आप ऑनलाइन आवेदन करते हो, जब भी होता है ना भाई, आपको किसान सम्मान निधि योजना से 2000 रुपये मिल रहे हैं, उसके लिए फॉर्म कहाँ भराना पड़ा? कंप्यूटर पर भराना पड़ा, या फिर घर में बैठे बैठे भर दिया भाई, फॉर्म भर दिया, हाथ से तो नहीं भरने में आएंगे ना, तो ये सब उसी से होंगे। गवर्नमेंट टू सिटीजन, अब गवर्नमेंट आपसे जुड़ने के लिए भी कंप्यूटर का यूज करती है, जैसे आधार कार्ड हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी होता है RSCET में, पिछले से पहली बार आया था, आधार कार्ड में क्रमांक की संख्या कितनी होती है बताओ? आधार कार्ड में कितने? 12। इतना इजी क्वेश्चन। अब है जिसने वो गलत किया वो दुनिया का सबसे महान मूर्ख इंसान है, क्यों? आधार कार्ड पेपर देने जा रहे हो, आधार कार्ड तो लेने जा रहे हो। एक क्वेश्चन आया था उससे पहले कि आधार कार्ड को चलाने वाली कौन सी वेबसाइट है, या फिर वेबसाइट दी थी शायद UIDAI.gov.in, ये किससे संबंधित है?
अगर वो आधार कार्ड में आप गौर करके देखोगे पीछे की साइड में तो वेबसाइट लिखी हुई होती है, तो ये आधार कार्ड से संबंधित, पर दिमाग होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपके आते रहेंगे। ठीक है, पासपोर्ट वीजा वगैरह सब में इसका काम आएगा। बिजनेस करने में गवर्नमेंट जो कोई नई स्कीमें लॉन्च करती है देती है आपको बिजनेस करने के लिए कंपनियों के लिए, तो उसके लिए भी इसका होता है। ई कॉमर्स के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है, जिसमें आप ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन किससे ऑर्डर कर रहे हो, ई कॉमर्स ही हो, वो कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन लेन देन की सब, इंटरनेट बैंकिंग, पेमेंट करना, आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो या फिर आप इससे ATM वगैरह से इसमें कंप्यूटर में लगा के, तो किस में आएगा, ई बैंकिंग में आएगा। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट लिखो, लिखना नहीं समझ लो, मतलब खाते में बैलेंस वगैरह चेक करना है, सब किस में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। ऑनलाइन बुकिंग, अब देखो आपको ट्रेन वगैरह बुक करनी है तो उसके लिए भी किसका उपयोग करोगे आप, कंप्यूटर का उपयोग करोगे। फ्लाइट बुक करनी, ट्रेन बुक करनी, बस बुक करनी, बाइक बुक करनी, सब ऑनलाइन होता है। आप बड़ी बड़ी सिटियों में जाओगे, आप सोचोगे यार कि मैं एग्जाम सेंटर कैसे जाऊँ, अकेला इंसान जानता हूँ नहीं, ऑटो अलग हो जो घुमा के ले जाएगा, किराया ज़्यादा लेगा। सबसे बढ़िया तरीका है आपके ऑनलाइन बुक, बाइक बुक कर लो, आपकी लोकेशन मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके लोकेशन वो खुद बताएगा आपको कहाँ जाना है, वहाँ पे लिख दो और कंफर्म कर दो, 2 या 5 मिनट में आपके बाइक आ जाएगी लेने, हेलमेट लगाया और जहाँ जाना है आज और कम रेट। तो ये ऑनलाइन बाइक बुकिंग का सिस्टम भी देख लो, कहीं पे भी जाना हो आपको बड़ी सिटियों में। अभी मैं गया था 5-6 दिन, तो मैं यही करता था, रूम पे बैठा बैठा बाइक बुक की, बाइक वाला नीचे आते फोन कर देता, भाई साहब कहाँ, ये आ गया बेटा, कहाँ बेटा, बैठते बैठते कहाँ जाना है, कि सर वहाँ जाना है, उसे बता दे, वहाँ पे जाके छोड़ देगा, घर के बाहर छोड़ेगा, यहाँ तक क्या टेम्पू जाएगा क्या, गली में मैं नहीं जाऊँ, रोज आएगा, सामान भी ले जाओ आराम से जाके जाके आ सकते हो। तो ये बुकिंग की सिस्टम होती है, अलग अलग की बुकिंग होती है, जैसे आप ट्रेन बुक कर रहे हो इंडियन रेलवे की बुकिंग, तो वो वेबसाइट पूरी ऑनलाइन कंप्यूटर पे चलेगी। RTDC आपके इसकी बस की बुकिंग, राजस्थान पथ परिवहन निगम, तो ये सब किससे होगी, किससे होगी आपके, ये सब और इसी से होगी, कंप्यूटर के उपयोग से। मतलब ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं रहा है जहाँ पे आपका कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो, या कोई सा ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता हो। यहाँ तक कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर में देख के पढ़ा रहा हूँ, देख लो ऐसा कोई है क्षेत्र जहाँ पे आपका कंप्यूटर नहीं होता हो। एग्रीकल्चर में भी कंप्यूटर हो रहा है, कोई कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर खेती के भी आजकल अलग अलग तरीके आ रहे हैं, वो कंप्यूटर पे बताते हैं, वो फॉरेन खेती के, वेस्टर्न जो खेती होती है उसके भी बता रहे हैं, फार्मिंग के, आयुर्वेदिक फार्मिंग, फॉरमेन फार्मिंग बहुत सारी है, ये सब किससे ऑपरेट हो रहे हैं, इसी से हो रहे हैं कंप्यूटर से। और भी जैसे कोई सुविधाएं वगैरह आजकल, ये तो चलो अपने इधर खेती का थोड़ा प्रचलन कम है, बिहार असम साइड में होते इतना क्रेज है कि वो हर चीज कंप्यूटर में देख के खेती करते हैं, वहाँ पे एक BTech होल्डर भी खेती करता है, पढ़े लिखा इंसान भी खेती करता है वहाँ पे, इतना भारी भारी अपने यहाँ पे तो ज़्यादा पढ़े लोग खेत तो पकी ना रखे पता है, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे कंप्यूटर सब जगह काम में आ रहा है, हर एक चीज़। आप कहोगे शॉपिंग करने जा रहे हो मॉल में, जो इलेक्ट्रॉनिक गेट खुलता है ना उसमें भी कंप्यूटर पद्धति यूज़ की जाती है, कंप्यूटर से ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है, यहाँ तक कि पानी का नल जो होता है सेंसर वाला, उसके नीचे हाथ ले जाते हैं आप, जैसे पानी आता है या क्रीम आती है वो भी एक कंप्यूटर से संचालित है। सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर तो अभी आया कोविड, वरना मॉल वगैरह में जाओगे ना तो वहाँ पे सेंसर ऐसे एक्टिव है ना कि आप पानी के नल के नीचे जाओगे पानी आ जाएगा, हाथ धोए और सुखाने के लिए अगली मशीन है उसके नीचे जाओ हाथ सूख भी जाएंगे। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट पे अब प्रेजेंट टाइम में ऐसे नहीं लगे ब्रश मशीन के, उस पेस्ट तो उसमें लगा दो आप, पेस्ट की एक मशीन आती है उसके नीचे जैसे आप ब्रश लेके जाओगे उसमें पेस्ट आ जाएगा, और ब्रश भी ऐसा है उसका बटन दबाया तो दांतों को खुद ही घिस देगा आपको, तो बस लगा के छोड़ देगा। इतना इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है वर्तमान समय में, अभी आपकी हर एक चीज़, उस खाना है उसकी भी मशीन आ जाएगी थोड़े दिनों में कि आप पेट पे खुद खा लोगे। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर से संचालित है, मॉल वगैरह सिक्योरिटी सिस्टम वो सब जगह कंप्यूटराइज हो चुका है, CCTV सारे कंप्यूटराइज हो चुके हैं, हर एक चीज सब। अब आप देख लो बच्चा क्या है कंप्यूटर के साथ, बुकिंग हुई सब हुई, खाना पीना रहा, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर होता है आजकल, होता है जोमेटो स्विगी वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट से खाना देने आपके घर के बाहर आ जाएगा। मैं 15-18 दिन वहाँ पे आप जयपुर, तो मैंने यही किया था, कौन खाना बनाए, ऑर्डर किया खाना आया खाया, न तो माँजने की दिक्कत न धोने की दिक्कत, और डब्बा बैठा हुआ जो घाट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ ऑनलाइन होने लगी, तो वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग सब जगह